भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अपने भाई के साथ एक तस्वीर सामने आई है। इस फोटो को धोनी फैंस क्लब ट्विटर हैंडल ने साझा किया है। इस तस्वीर में धोनी अपने भाई नरेंद्र सिंह धोनी के साथ जिम में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले कभी भी धोनी किसी तस्वीर में अपने भाई नरेंद्र सिंह धोनी के साथ नजर नहीं आए थे। यहाँ तक कि धोनी पर बनी फिल्म में भी भाई नरेंद्र सिंह धोनी के हिस्से को नहीं दर्शाया गया था। आईपीएल से सीएसके से बाहर होने के बाद चेन्नई के सभी खिलाड़ी और धोनी अपने घर वापस आ गए। एमएस धोनी अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। ऐसे में वो खुद को फिट रखने के लिए जिम में पसीना बहा रहे हैं। जिम में उनको उनके भाई नरेंद्र सिंह धोनी के साथ एक्सरसाइज करते देखा गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्रिकेट की दुनिया के बादशाह रहे एमएस धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में झारखंड के क्षेत्रीय दलों के साथ ही राष्ट्रीय दलों ने एमएस धोनी को अपनी पार्टी के साथ जुड़ने का न्योता दिया। 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी को लेकर अब चर्चा तेज हो चली है कि आने वाले समय में धोनी राजनीति की पिच पर भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी चर्चाओं के बाद झारखंड के तमाम राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया है। सभी पार्टियां धोनी को लेकर उत्सुक नजर आ रही हैं। बीजेपी धोनी को पार्टी में आने का न्योता पहले ही दे चुकी है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि धोनी चाहेंगे तो उनसे रांची आने पर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि धोनी की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पार्टी उनसे ज़रूर बात करेगी। कांग्रेस ने भी धोनी के राजनीति में आने की चर्चाओं का स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राजनीति में आने पर धोनी का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि धोनी युवाओं के रोल मॉडल रहे हैं, लिहाजा उनको युवाओं को ही ध्यान में रखकर राजनीति करनी चाहिए। इन सबके बीच जेएमएम ने भी धोनी को लेकर उत्सुकता दिखाई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि धोनी का राजनीति में आना खुशी की बात है और अगर वो जेएमएम में शामिल होने की इच्छा दिखाते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।